فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله जी आप सबने बहुत खूब अभिनंदन के 75मा स्वतंत्र दिवसे आपने खूब सरस एक हेरिटेज वॉक नो सारू एवं कामगिरी साथ एक आगे बढ़ी रहा छे। तो आप सबने आ हेरिटेज वॉक में सबनु स्वागत है। अपनी विरासत ये अपनी संस्कृति ये कि जे राष्ट्रीय धरोहर अने अमदावाद ने ज्यारे एक सीटी हेरिटेज सीटी नो जे दरज्जो मळ्यो छे त्यारे आपणे आजे सौ भेगा मळीने एक हेरिटेज वॉक करवा जई रह्या छे। तो आप सौनु स्वागत छे एनी अंदर अमदावाद मुस्लिम इंटेलेक्चुअल अहमद शाह आर्मी अने साथे साथे अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमिटी तरफ थी आपणे एक सरस मोको मळ्यो छे कि आपणे आजे जे धरोहर छे आपणी जे संस्कृति छे जे एक आस्था छे एने माणवा जई रह्या छे। एवुं जरूरी नथी कि आपणे बधा ज एक जग्याए दरेक जग्याए पहोंची शकीए पण आजे पांच सात जे पण जग्याए पहोंचीशुं एना विशे जाणकारी मेळवीशुं। तो कोरोना नो जे रीतनो माहौल छे तो आपणे बधा सोशल डिस्टन्स नो पालन करीशुं अने साथे साथे वधुमां वधु ए नॉलेज हासिल करवानो प्रयत्न करीशुं। आपणी साथे आपणा गाइड बे जे आसिफभाई शेख छे अने रईस मुंशी सर जे अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमिटी ना कोऑर्डिनेटर छे जेमे आपणने आटली सरस मजानी सुविधा उपलब्ध कराई छे। केर टेकर छे जेटली पण जे मस्जिदोनी आपणे आजे मुलाकात लईए जे रीते भावेशभाई डामीए कह्युं के टेम्पल टू मस्जिदनी अहमदाबाद वॉक થતી હોય છે તો આપણે પણ એ રીતનો પ્રયત્ન કરીશું કે વધુમાં વધુ આપણી જે વિરાસતો છે એને આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું। તો આગળ આપણે આશીષભાઈ જોડે વધીશું તો આની અંગે કુછ પાછલી વાત તો આપણી સમક્ષ બુનિયાદી વાત અમારા સામે રહીશ મુંશી સાહેબ ગુરુ અલ્લાહ કે નામ સે જો બરા ઉપાધિ હૈ ઓર સબસે મહેરબાની કરને વાલા હૈ અસલામ અલૈકુમ નમસ્કાર ગુડ મોર્નિંગ। अहमदाबाद शहर इसका ओरिजिनल नाम पहले गर्दाबाद के नाम से जाना जाता था। अहमदाबाद की तवारीख ये है कि इसको दो लफ्ज़ों से जोड़ा गया है अहमद और आबाद। अहमद जो नाम है वो इस्लाम के स्थापक हुजूर नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानी नाम है और आबाद का मीनिंग ये होता है जो सदा रहने वाला है। तो ये शहर का नाम ही ऐसा है कि यहाँ जो भी बसने वाले लोग हैं वो सदा आबाद रहेंगे। इसकी जो स्थापना है एस्टैब्लिशमेंट है 26 फरवरी 1411 में सुल्तान अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से उनकी जानिब से इसकी नींव रखी गई थी। इसके अंदर चार अहमद और 12 बाबाओं ने इसकी तामीर के लिए काम किया था जिनके नाम मुबारक इस पर है जिसमें सबसे बड़े जो हैं हजरत गंज अहमद पट्टू रहमतुल्लाह हजरत काजी अहमद जूद रहमतुल्लाह हजरत मलिक अहमद पीर मलिक पीर मोहम्मद रहमतुल्लाह और हजरत सुल्तान अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह। तो ये चार डायमेंशन में अहमदाबाद की नींव की पूरी लीटी के लोग खड़े रहे थे। उसकी 12 डायमेंशन जो आर्किटेक्चर और सिविल के रिलेटेड है बच्चे उनके लिए कि एक कोई भी डायमेंशन होता है उसकी चार दिशाएं होती है उसकी 12 डायमेंशन होती है। उसमें 12 बाबाओं को खड़ा रखा गया था। वो 12 बाबा लोग ऐसे थे कि जिनको चिश्तिया घराने से खिलाफत मीन्स डिग्री मिली हुई होनी चाहिए और वो खिलाफत को हजरत निज़ामुद्दीन औलिया करमुल्ला वजू की तरफ से अटेस्टेड करी होनी चाहिए जिसको तौलियतनामा बोला जाता है। वो तौलियतनामा ये 12 लोगों के पास था जिन्होंने 12 दरवाजे के पास उनको रखा गया जिनके नाम ऐसे हैं हजरत बाबा अली शेख चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हजरत बाबा महमूद चिश्ती ठंडा पीर रहमतुल्लाह अलैह
हजरत बाबा तवक्कल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा लहलवी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा अहमद अंकोरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा लद्दन साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा ढोकल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा महमूद कुर्बे सैया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा कमाल किरमानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा खुजू कुर्बे मच्छी पीर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा करामत रहमतुल्लाह अलैह और हजरत बाबा लारू रहमतुल्लाह अलैह। अहमदाबाद शहर को वर्ल्ड का फर्स्ट हेरिटेज टैग 2017 में दिया गया। अब हम जिसके लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो सीधी शहीद की जाली के बारे में हम जानते हैं। बधाने संभाई जो ना व्यवस्थित थोड़ा माइक बराबर होता। सीधी शहीद इसका ओरिजिनल नाम है, लोगों ने इसका नाम तब्दील कर दिया, सीधी सैयद के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है सीधी सईद, जो अफ्रीका देश के हफ्सा शहर के रहने वाले थे और तुर्क लोगों के मिलिट्री में यहाँ पर आए थे। उन्होंने ये मस्जिद का तामीर किया था जिसकी लंबाई 68 फुट और चौड़ाई 37.5 फुट है। इसको सबसे पहले जो तामीर का काम किया था वो एक मस्जिद थे। मस्जिद का मायना ये होता है कि जो परमात्मा की याद में लीन हो जाने वाला, उनका नाम था जुजार खान। उन्होंने विशाल के बाद सीधी शहीद ने इसको पूरा कंप्लीट किया। अब ये जो जाली है जिससे ये वर्ल्ड में फेमस है, IIM का लोगो भी यही है और वर्ल्ड के हेरिटेज के अंदर इसका एक खासियत है, इसके अंदर हिंदू मुस्लिम संस्कृति जिसको हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं उसका है। ताइए हम उसकी जाली के बारे में जाने। प्लीज कम ये जो जाली है इसके अंदर यहाँ से हिंदू संस्कृति के अंदर कल्प वृक्ष यानी ऐसा पेड़ कि जिसके आगे आप खड़े रहो तो वो आपकी मनोकामनाएं सब पूरा करे। तो जो बीच में है पेड़ वो कल्प वृक्ष है जो हिंदू संस्कृति को बताता है। फिर आपकी मुट्ठी को ऐसे कीजिए और बीच में देखिए तो इस्लाम का सबसे होली प्लेस काबतुल्लाह आपको दिखेगा। बिल्कुल बीच के अंदर जो खजूरी के झाड़ के बीच में वो काबा की नक्शी की हुई है और उसके बाद इस्लाम में पवित्र वृक्ष खजूर माना जाता है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत करा दिया था उसकी वो है। इसका काटिंग 3 पत्थरों को जॉइंट करके किया था, ये एक पत्थर नहीं है, ये 3 पत्थर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका काटिंग मैन्युअल किया गया था जो 45 एंगल पे किया है। 45 एंगल पे इसलिए किया है कि यहाँ से बाहर से लाइट आएगी लेकिन धूल मट्टी एटमॉस्फेयर की इफेक्ट नहीं आएगी। आप करीब से इसको कभी भी देखने का मौका मिले तो इसे देखना कि इसको ऐसे स्लांट में कार्विंग किया हुआ है, जो ये इसकी एक स्पेशलिटी है। तो ऐसे इस जाली का ये है। दूसरी उसके बाजू में दूसरी जालियाँ दी हुई है, वो जालियों में भी इसी तरह सब दिया हुआ है, कमाने हैं और ये आगे हौज है। इसके इतराफ में जब अहमदाबाद एस्टाब्लिश हुआ तो ये पूरा प्लेन प्लेस था, लेकिन बाद में अहमदाबाद के आजू बाजू सब स्ट्रक्चर बन गए और ये मस्जिद वो हो गई। लेकिन हमारे PM ने जब विजिट की, जब लोगों को मालूम पड़ा, वो भी इसलिए विजिट की थी कि जापान के PM की वाइफ आर्किटेक्ट है, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि आपके शहर गुजरात स्टेट गुजरात के शहर अहमदाबाद में एक जाली है जो पत्थर से अंदर कार्विंग करके बनाई है जिसकी एक स्पेशलिटी हमें देखनी है। तो यहाँ पे वो आए, उसके बाद ये लोगों को मालूम किया कि भाई हमारे पास क्या विरासत है और हम उसको क्यों नहीं जानते, इसलिए मैंने थोड़ा तारुफ इसका दिया। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में और ज़्यादा जानना है तो मुझसे पर्सनली बाद में मिल सकते हैं। और यहाँ की ज़्यादा जानकारी पाने के लिए स्क्रीन के ऊपर यहीं का एक वीडियो आ रहा है, आप उस पर क्लिक करो, यहाँ की पूरी मस्जिद की विजिट और काफ़ी सारी मालूमात मौजूद है।